सत्ता में आने के लिए हर राजनीतिक पार्टियां जनता से बड़े बड़े वादे करती है, मगर सत्ता में आते ही सब भूल जाती है। बेरोजगार युवकों को रोजगार देना तो दूर, उनका रोजगार ही छीन लिया जाता है। इसके बावजूद सरकार में बैठे नुमाइंदे जानते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सवान की नई नविदा जो एयरटेल को स्वीकृत हुई है, जिसमें 52 इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के पद समाप्त कर दिए गए हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से वर्षों से काम कर रहे 52 युवक बेरोजगार हो चुके हैं, जिनको मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने समक्ष या अन्य पदों पर कार्यरत करने का भरोसा दिलाया था, मगर युवक मंत्री के बंगले पर रोज चक्कर काट रहे हैं और मंत्री जी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने इन बेरोजगार युवकों से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहना है इन बेरोजगार युवकों का। और ऐसे समय हमें दूसरा रोजगार मिलना नहीं है सर। और पहली बात यह है कि हम 3-4 बार 5 बार जब मंत्री से मिले तो उन्होंने हमें लगातार ये आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और आपको जॉब में रखा जाएगा। और हम बोले हमें इस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं था, हम संबंधित विभाग को लेटर लिखते हैं। उनके लेटर लिखने के बाद भी सर और 3-4 बार मिलने के बाद भी वो लगातार आश्वासन देते रहे। और इस बीच सर हमने एक सेमिनार भी आयोजन किया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। वरना सर हम उसी समय आमने सामने इस बात को क्लियर करने वाले थे कि सर हमारे साथ क्या हो रहा है। और सर हमें इसी भ्रम में रखा गया, हम भ्रम में रहते रहे और 29 तारीख की रात को सर हमको ईमेल आ गया कि कल से आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको पदभार से मुक्ति किया जाता है। और अभी सर आज 1 मार्च की बात है सर, अभी सब हम लोग 51 जिले के 51 टेक्नीशियन जो कि सब सर टेक्निकल पढ़ाई किए हैं, कोई बीई है सर, कोई पॉलीटेक्निक किया है, सब बेरोजगार हो चुके हैं। मेरा नाम सर दिलीप माले, मैं बुरहानपुर में जिला टेक्नीशियन हूँ, कलेक्टर कार्यालय में। कितनी सरकार आती है, कितनी सरकारें जाती है, सब दावा करती है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम बड़ी बड़े मतलब सपने दिखाती हैं, या बेरोजगार आज जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के यहाँ पहुँचे हैं, इनको ये बेरोजगार होने के कगार पे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे क्या मामला है, क्या है। सर ये MP Swan प्रोजेक्ट में कार्यरत इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का मुद्दा है सर, जो हम लोग पिछले 8 महीने से उठा रहे हैं। माननीय पीसी शर्मा जी से 8 से 9 बार मिल चुके हैं और उनसे आश्वासन मिला है कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन पिछले 19-2 से हमारी नौकरी जा चुकी है, हमें फाइनल लेटर आ चुका है। आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? यहाँ से सर आश्वासन और हमें लिखित लेटर भी मिला है उनके माध्यम से कि कोई बेरोजगार नहीं होगा और कितने भी टेंडर हो जाए, जब तक कोई बेरोजगार नहीं होगा, कितने भी टेंडर हो जाए जब तक हमारी सरकार है, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये उन्होंने हमें आश्वासन। अभी क्या कहना है मंत्री जी का? सर अभी भी माननीय मंत्री शर्मा जी से हम 27 तारीख को जबलपुर में मुलाकात की थी, तब भी उन्होंने हमें लिख के दिया था कि टेंडर में यथावत आपका पद रखा जाएगा, लेकिन माननीय मंत्री महोदय आपने MPSC DC डिपार्टमेंट में ये पता नहीं करना चाहते कि इन लोग के साथ हो क्या रहा है, जबकि हमने वहाँ से पता किया तो हमारी सेवाएँ समाप्त कर दी गई है, पर माननीय मंत्री महोदय अभी भी केवल यही कह रहे हैं। आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि कैबिनेट में आज बैठक है तो वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा मंत्री जी के सामने, मतलब मुख्यमंत्री जी के सामने। अभी उन्होंने चर्चा की है, मतलब ज़्यादा समय उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि मैं कैबिनेट से बैठक से आकर आपको आश्वासन दूंगा कि इस विषय पर क्या चर्चा होगी। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार लोधी है और मैं संगठन का सचिव हूँ। कहाँ से आए थे? मैं राजगढ़ जिले से आया हूँ। कितने लोग ऐसे बेरोजगार हो जाएगा अगर हम लोग? करीबन 51 जिले के 51 टेक्नीशियन है और सभी मतलब सभी उम्र इतने उम्र दराज हो गए हैं, इनको दूसरा रोजगार नहीं मिल सकता और हम लोगों को एक्सपीरियंस भी इसी कार्य का है, नेटवर्किंग का, इलेक्ट्रिकल का काम, यही हम काम कर सकते हैं और हम सभी जिले के लोग यही चाहते हैं सरकार। परिवार वाले हैं, परिवार भी हमारा, बीवी बच्चे, अभी 6 साल पहले हम लोगों की शादी भी नहीं थी, बच्चे नहीं थे हमारे पास, इतना वो मतलब परिवार नहीं था, घर का लोड नहीं था, अभी हमारे पास इतना लोड है कि हम मतलब अगर हमको भीख भी मांगना पड़े तो हम भीख भी मांग लें, क्योंकि हमें यह था वो 2-3 दिन में तो नौकरी मिल नहीं पाएगी क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और शिक्षित लोग आपको हटा दिया गया है। हमारे पास मेल आ गया है, हम आपको मेल दिखाते हैं, मेल आया हुआ है हमको मेल के द्वारा, हमें मतलब हमारी कंपनी ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मतलब हमारी जो ड्यूटी टाइम रहता है वो हमारा 10 से 5 रहता है ऑफिस का टाइम, मतलब हम कलेक्ट्रेट परिसर में हमारा एक कोप बना हुआ है जिसे हम सर्वर रूम बोलते हैं, उसके द्वारा हम संचालित करते हैं सभी शासकीय विभागों में, जितने भी 42 के समथिंग है शासकीय विभाग है, और हमारे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है जो कमिश्नर वगैरह जो भी है, मतलब ये कॉलेज वगैरह मेडिकल कॉलेज हो गए या कॉलेज हो गए, सरकारी कॉलेज, PG कॉलेज हो गए, इन सभी में हमें वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कराते हैं और हमारा सरकार से यही कहना है कि हमने जिस इस सरकार पर हमें बहुत उम्मीद था, हमने सरकार बनाई है, मान ली
इस सरकार का वादा था कि आपको रोजगार दिया जाएगा। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे इस समय? अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम पहले तो धरना देंगे, अगर धरने से भी नहीं होगी तो फिर इसका हमारे मतलब आगे चल के आत्मदाह भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सभी युवा लोग हैं और युवा लोगों ने हमने सरकार बनाई है। अगर युवाओं की बात नहीं सुनेगी सरकार तो फिर क्या होगा? नहीं, और सर सरकार का मेन JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।